हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज हम खेलने वाले कवर फायर का पूरा Episode 3 यानी Chapter 3। तो पूरा देखो ये वीडियो, क्योंकि इसमें थर्ड या फोर्थ लेवल में ग्लिच होता है। 10th लेवल पे ऑलमोस्ट मर जाता हूँ, 7th लेवल पे भी थोड़ा गड़बड़ होता है, और लास्ट लेवल तो एकदम ही मजबूत है। तो पूरा देखो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। तो पहले तो बोलते हैं लेट्स गो टू रूम्स। रूम्स क्या है वो, एक्चुअली चैप्टर का नाम है या एपिसोड का नाम है। रूम्स रूम्स हाँ, Chapter 3 का फर्स्ट लेवल या फर्स्ट मिशन। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर देता हूँ मैं और डिटेक्ट हो जाता हूँ, बट कोई नहीं, होता है। और इस चैप्टर में मैं थोड़ी बहुत चीज़ें अपग्रेड करता हूँ, जैसे कवर्स हो गया। ये जो कवर है वो जल्दी डैमेज नहीं होते, पहले बहुत ही जल्दी डैमेज होते थे, और अपना बुलेट कम डैमेज देता था। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल 21 बुलेट्स लोड होती है, तो आगे मैं अपग्रेड करके उसको 23 कर देता हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा अपग्रेड्स करता हूँ मैं, जिससे कि हम लोग को इजी पड़े खेलना, और हम लोग जल्दी से क्रॉस कर पाए। क्योंकि ये वाले एक्चुअली एपिसोड के जो मिशन्स है थोड़े टफ है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बंदे और कहीं कहीं पे तो दिखाई नहीं देते, और ग्लिच भी वही हुआ था मेरे साथ वैसे ही। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे बंदा रहता है वहाँ पे दीवार पे थोड़ा हल्का रेड कलर का आता है मार्क की है, वहाँ पे है बंदा करके। बट यहाँ पे देखो, जैसे बंदा बैठा है वैसे दिखता है, बट आगे वाले लेवल में बहुत ही झोले। जो देखो यहाँ पे, ये तो हो गया, यहाँ पे माइन है देखो, तो जिससे कि अपना पूरा का पूरा कवर डैमेज हो जाता है, और हम लोग को डैमेज होने लगता है। और यहाँ पे इतना बड़ा जंप मारा इसने वो भी, और सामने है स्नाइपर, तो ज़रा संभाल के खेलना पड़ता है। बट कोई नहीं, हम लोग ने उसे ख़त्म किया। इसमें स्नाइपर वैसे स्नाइपर भी है, तो वो भी मजा आएगा उसको देखने को। और यहाँ पे है ऑलमोस्ट हम लोग जीत ही चुके मतलब। बट एक चीज़ है, फर्स्ट लेवल में जैसे स्लो मोशन में दिखते थे वैसे स्लो मोशन में दिखता नहीं है। यहाँ पे देखो, एक को हेडशॉट मारा, यहाँ पे दूसरे को मारा, और यहाँ पे और एक है, और यहाँ पे मुझे बंदा दिख तो रहा है दीवार पे, जैसे वॉल पे जैसे प्रिंट आता है वैसे, बट उसको मारूँ कैसे। तो यहाँ पे हम लोग डिटेक्ट हो चुके, दो तीन बुलेट्स मारता हूँ, तो मेरे को लगा था अगर वॉल उसका कवर डैमेज हो जाए तो, बट नहीं हुआ। और इस लेवल में मेरे को बंदा मिलता भी नहीं है, ये ग्लिच है थोड़ा, पता नहीं क्या हो गया। बट हम लोग थोड़ा तो मार ही लेते हैं, और यहाँ पे भी मेरे को बंदा दिख नहीं है, बट हाँ इसने लेज़र मारा तभी जाके मेरे को दिखा हो, नहीं तो मेरे को दिखता ही नहीं। यहाँ पे भी मैं थोड़ा इधर उधर दिखता हूँ, तो बंदा दिख ही नहीं रहे, बट एक्चुअली है वो ऊपर वहाँ पे, तभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब ये बाद में देखा तभी मेरे को मालूम पड़ा। तो इसको तो मारा हम लोग ने, बट वो वॉल पिक के पीछे वाला बंदा गया कहाँ पे वो अभी तक मेरे को मालूम नहीं। अगर आपको समझे तो मुझे बताओ। इसको तो पहले अपन ख़त्म करते,
नेक्स्ट लेवल यानी लेवल फोर्थ है, चालू है ये अपना मिशन फोर चैप्टर थ्री या एपिसोड थ्री का। तो ये ऊपर इतना ऊपर दिख भी नहीं रहा है क्योंकि सनलाइट है करके, बट वो बुलेट्स मार रहा था तो थोड़ा ही आ जाता है। यहाँ पे मैं नेड़ करके आसानी से ये कर लेता था, बट नेड़ अपने को थोड़ा बचा के रखना है क्योंकि आगे हमें एपिसोड फोर वगैरह में बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। एपिसोड फोर हो गया या इसमें एक्चुअली 13 तक मिशन है, मतलब एपिसोड 13 तक है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट इसको मारने वाला था बट मैंने उसको मार दिया। यहाँ पे गल मतलब उसने नेड़ फेंका बट तो एग्जैक्ट मेरे फायरिंग रेंज में आ गया तो फट गया। कोई नहीं, हम लोग ने इसे फुल्ली कंप्लीट किया, परफेक्टली कंप्लीट किया है। और ये अभी आ गया हम लोग का 5th लेवल। यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि मेरा कवर जो है वो माइंड से ब्लास्ट हो जाता है और मेरे को मालूम नहीं पड़ता है। तो ये देखो अभी कवर है ही नहीं, तो मेरा ध्यान ही नहीं था, बट कोई नहीं, मैं सही टाइम पे इसको ख़त्म करता हूँ। नहीं तो मेरा डैमेज बहुत ही होता था। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वैसा सीन होता है। यहाँ पे देखो माइंड फटा, मेरा कवर 50% डैमेज हो गया और मैं मार ही नहीं पाता हूँ। अपना कवर पूरा का पूरा चला ही है, ध्यान ही नहीं था मेरा, बट नसीब है टाइम पे निकल लेता हूँ मैं, बच जाता हूँ तो होता है। कोई नहीं, अभी इसके बाद आएगा स्नाइपिंग वाला लेवल मिशन 6 का, मतलब मिशन 6 जो है स्नाइपिंग वाला, हम लोग को ये क्लियर करना है, फुल स्नाइप करके क्लियर करना है। तो ये इसके तो आर पार चला गया, एक हेडशॉट, इसको दूसरा हेडशॉट, और अपना जो है बंदा डिटेक्ट हो चुका है। वहाँ पे बता रहा है कि एक बंदा है बट वहाँ पे भी कोई दिख नहीं रहा है। ये स्नाइपिंग वाले मिशन में बहुत ही ग्लिचेस हो रहे तो होते है। तो वहाँ पे कुछ तो धुआं निकल रहा है, कोई नहीं, ख़त्म तो किया उसे। ऊपर यहाँ से भी एक बंदा मार रहा है और नीचे भी एक और एक बंदा है, फुल उसके उसके सामने ही है। तो ये साइड वाले को पहले ख़त्म करते फिर एग्जैक्ट जो अपने बंदे के सामने बंदा है उसे ख़त्म करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक एट लास्ट मैन स्टैंडिंग और बंदा गया, और इसको ऑलमोस्ट हम लोग परफेक्टली किया था बट कोई नहीं, ये 7th वाले मिशन पे आ गए हैं हम लोग। और यहाँ पे फायरिंग फुल चालू है और नीड़ तो भी डालते हैं कभी कभार ये लोग, तो यहाँ पे हमें संभल के खेलना पड़ेगा क्योंकि कवर बहुत ही छोटा है अपना। और एक चीज़ मैं सिखाऊँ, पहले टारगेट को सेट करो किसको मारना है, फिर टारगेट पे वार करो, तो इजीली अपन ये कर सकते हैं। तब तक कवर में ही रहो। यहाँ पे दोनों, एक नेड इधर पड़ा है, अभी कुछ कर भी नहीं सकते, सामने पड़ा है तो अपन मार भी नहीं सकते, बट हाँ वो अपना पड़ गया तो डैमेज तो इतना कुछ हुआ नहीं, बट
होता है तो है डैमेज, तो अपने को संभाल के खेलना पड़ेगा आगे का फुल कवर में। यहाँ पे मैं रिलोड करना बोल रहा हूँ तो बट 6 गोली से एटलीस्ट वो मर तो जाते हैं। कोई नहीं, कंप्लीट हो चुका है अपना लेवल, लेवल 8 चालू है। फुल स्किट मार के गया गाड़ी, इसकी गाड़ी को मैं फोड़ नहीं पाता हूँ। बट हाँ, ये लेवल में मैं ऑलमोस्ट ये लेवल में तो निकल जाता हूँ। ये बंदा किसको मार रहा था नो आइडिया। तो यहाँ पे तो स्नाइपिंग फुल स्नाइपर कर, स्नाइपर फुल स्नाइपिंग कर रहा था ऐसा। फुल एक ड्रम उसने उड़ा दिया और यहाँ पे एक नेड भी आ चुका है, तो इसको ख़त्म करते फटाफट क्योंकि नेड ऑलमोस्ट फटने वाला है और फट भी है, उसका नेड भी फट गया। यहाँ पे तो फुल यहाँ पे ख़त्म फटाफट होता है एकदम शॉर्ट सिंपल लेवल है, एकदम छोटा लेवल। अभी आता है 9th लेवल, फुल हेलीकॉप्टर से हमें वार करने हैं। यहाँ पे एक पे दो गए, नहीं एक ही बंदा गया शायद, और यहाँ पे दो गए। कार को फोड़ा अपन ने इधर, यहाँ से ऊपर से एक बंदा वापिस छुड़ गया था वो। कोई नहीं, यहाँ पे भी और एक बंदा है और एक कार आ रहा है यहाँ पे अपने पर। स्किट मारा उसने बट स्किट मार रोकने से पहले ही फट गया वो। तो और अपना लेवल तब हेल्थ जो है वो 50% हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अभी तो उससे भी कम हो गए। कोई नहीं, होता है, बट हम लोग कंप्लीट किया। और अपना 10th लेवल जो कि मैं ऑलमोस्ट मरने वाला रहता हूँ, बट यहाँ पे मैं लास्ट बंदे को जहाँ जिसको मारता हूँ वो सही टाइम पे मर जाता है, वरना तो मैं तो मर जाता था। देखो अब क्या झोले, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे पे 4-5 लोग आ जाते हैं आगे से, क्योंकि ये तीन को तो मैं मारता हूँ, फिर उसके आगे हम लोग जाते हैं तभी 3-4 लोग आ जाते हैं। और तो और ये लोग भी हम लोग मेरे को बहुत डैमेज देते। और यहाँ पे अपन आगे बढ़ते, कितने एक दो लोग आ गए, फिर थोड़े टाइम के बाद दो लोग इधर से आ जाते हैं, तो फुल 4-5 लोग, 4 लोग हैं टोटल। और नेड़ पे नेड़ फेंके जा रहे, 3-3 नेड़ आ रहे यहाँ पे, तो मैं ऑलमोस्ट मारने वाला रहता हूँ। और तीनों भी नेड़ वाले को मैं मारते हैं देखो, पर टाइम पे मैं जो मारा है उसे। और यहाँ पे 11th लेवल चालू हो गया है, इसमें पता नहीं ये जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं ना सामने के बिल्डिंग में, सब बॉक्सेस में से बन जाते हैं। और एक तो ऊपर टेरेस से भी आता है देखो, कंटिन्यू एक को मारा दूसरा, दूसरे को मारा तीसरा आ जाता है, तीसरे को मारा चौथा आ जाता है। फुल ऐसा कवर पे कवर दिए जा रहे। और ये जो दिक्कत है, इतना दिक्कत नहीं करता है मेरे को, बट लास्ट वाला लेवल जो है वो दिक्कत देता है, क्योंकि बॉस लेवल है इसके बाद वाला। और इसके बाद हम लोग का मेरा और एक चीज़ कुछ तो ओपन हुआ है, वो अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या आता है वो। तो यहाँ पे तो अपने पास 6 नेड्स है पहले से ही, तो यहाँ पे इन लोग का भी थोड़ा ये चालू है, छुप छुप के वार करते। बट
हम लोग यहाँ पे जीत जाते और आता है हमारा बॉस और फाइनल बॉस लेवल, मतलब फाइनल बॉस मिशन भी बोल सकते हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पे ये जो स्पाइडर है, खेखड़ा बोलते हैं, स्पाइडर बोलते हैं क्या बोलो, कुछ तो है, ये जो है अपने पे लेज़र पे वार कर, लेज़र से वार करता है ये, और अपना कवर पूरा चेंज करने बोलता है ये। तो मैं चेंज तो कर लेता हूँ, बट जब ये ख़त्म होता है, वो लेज़र मारना छोड़ता है, तभी वो पूरा आर पार पे मार देता है, आर पार मार देता है। क्योंकि इसके बाद में जब ही वापस से मैं देख रहा था, क्योंकि देख रहा था, सीख रहा था कुछ तो, क्योंकि अपने पास कैश का बहुत थोड़ा इसमें कमी था, तो मैं वापस से खेल रहा था इसको। तो तभी मैं लिटरली मर ही गया इस पे। तो कोई नहीं, तो यहाँ पे तो निकल गया, हेडशॉट दिया इसको भी, और यहाँ पे इसके चार से पाँच जो पैर पे मारना है, तो टारगेट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मूव हो रहा है थोड़ा बहुत करके होता है। बट हम लोग इसको तो ब्लास्ट करना ही करना है, तो ब्लास्ट तो ये वापस से अपना कवर पूरा उड़ा दिया है उसने तो, और हम लोग ने उसके दो पैर शायद से डैमेज कर दिए, और लेज़र तो पहले ही डैमेज किया था, तो अभी वो फायरिंग यूज़ कर रहा है। ये ऑलमोस्ट मर गया है, सिर्फ उसका एक पैर जीवित है, अपन उसको ख़त्म करते फटाफट से। बट अपना खबर जो है वापस से चला गया है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि ये सेफर है, और वो पूरा बॉस तो मर गया, और ये लास्ट मैन उसको भी मारा हम लोग ने। और इसका नेक्स्ट आता है लुकिंग फॉर, और तलवार मिलता है कुछ तो, और यहाँ से अपना होता है नेक्स्ट मिशन शुरू, मतलब और नेक्स्ट स्टॉप बताते। तो यहाँ पे होता है अपना वीडियो ख़त्म, यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और फेसबुक के पेज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे भी लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।